गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राजकुमार सोलंकी आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता है। हम चैप्टर नंबर जो 9 है उसके 5 क्वेश्चन कर लिए थे, जिसके अंदर आपको ये बताना था। एक तो ग्राफ वाला क्वेश्चन था कि उसमें आपको निर्देशांक बताने थे कि वो किस पे मिल रहा है। दूसरा क्वेश्चन था कि आपको ग्राफ के अंदर जो निर्देशांक दिए गए थे उनसे एक डायग्राम बनाना था और आपको ये बताना था कि वो डायग्राम कौन सा है। जैसे आपने देखा था पंचभुज था, ठीक है, एक समलंब चतुर्भुज भी था और एक समचतुर्भुज भी था, ठीक है। उस तरीके के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करवा दिए थे, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना, बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कम या रेयरली पूछे ही नहीं जाते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये डेफिनेटली बोर्ड्स के अंदर आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। यदि क्वेश्चंस के अंदर दूरी दिया गया है तो दूरी का सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखिए। मैं लिखता हूँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब कई जगह क्या होता है, ये x1 माइनस x2 भी लिख देते, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन मैंने जो ये क्वेश्चंस लिखा है ये आपके बोर्ड्स के अंदर, मतलब जो एग्जांपल्स है उसमें इसी तरीके से दिया गया है, इसलिए मैंने आपको उसी तरीके से लिखा है। अब देखिए ये x1 x2 y1 y2 क्या होता है, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए 5.3 और ये है 4.2, इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। हमेशा जो निर्देशांक है वो इस तरीके से लिखे जाते हैं x, y, किस तरीके से लिखे जाते हैं x, y। तो ये जो संख्या होगी वो क्या होगी, x1, और ये क्या होगा, y1। क्यों, क्योंकि ये पहला ब्रैकेट है इसलिए 1, 1, ये दूसरा ब्रैकेट है तो x2 और ये क्या हो जाएगा, y2, ठीक है बच्चों। अब इसको देखिए, दूरी का सूत्र क्या है, x2, तो ये इसको लिख देता हूँ x1 y1 x2, और तो x2 का मान है माइनस का 1, माइनस ये माइनस का 6 है, तो इसको इस तरीके से लिख देते हैं। प्लस y2 माइनस y1, तो माइनस का 5 माइनस का 7 का होल स्क्वायर। देखिए ये माइनस जो है सूत्र वाला है और y1 का मान कितना है, 7, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये माइनस का 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस के 6 का होल स्क्वायर, प्लस इसको करेंगे तो माइनस के 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस के 12 का स्क्वायर। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और ये कितना होता है, 144। जब आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 169, और जब आप 159 का अंडर रूट करेंगे 69 का, ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा, 13। कितना आएगा बच्चों, 13, ठीक है। तो आपको इस तरीके से बोर्ड में इसी तरीके से करना है, आपको जितने भी नंबर का क्वेश्चन होगा आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन ये है -1, -1, ठीक है, और फिर है 8, -2, आपको ये निकालना है। तो ये क्या हो गया, x1, ये y1, ये x2, और ये क्या हो जाएगा, सूत्र मैंने आपको लिख ही दिया है, ठीक है। अब इससे सॉल्व करते, ध्यान से देखिए, x2 का मान है 8 माइनस x1 का मान है माइनस का 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है, माइनस के 2, माइनस इसका मान है माइनस का 1 का होल, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 1 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो जाएगा, √82। कितना हो जाएगा बच्चों, √82, ठीक है बच्चों। आया आपको समझ में, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला देखते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा।
इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। देखिए आपको ऐसे कह रखा है ए टी वन का स्क्वायर, फिर दे रखा है टू ए टी वन, फिर दे रखा है आपको ए टी टू का स्क्वायर कॉमा टू ए टू, ठीक है ये दे रखा है, सॉरी ये टू ए टी दे रखा है, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन से यदि गलत लिख दिया अपन ने तो ध्यान रखना आंसर नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया एक्स वन, ये हो गया वाई वन, ये हो गया एक्स टू और ये क्या हो गया वाई टू, ठीक है बच्चों। चलो करते हैं, ध्यान से देखिए, देखना एक्स टू ए टी टू का स्क्वायर माइनस एक्स वन क्या है ए टी वन का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया आपने, प्लस वाई टू, वाई टू का मान है टू ए टी टू माइनस टू ए टी वन का होल स्क्वायर, हो गया बच्चों। ध्यान से देखिएगा, मेरे को एक चीज़ बताइए, ये क्वेश्चन इसमें कॉमन क्या है ए, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर, फिर क्या आएगा टी टू स्क्वायर माइनस टी वन का प्लस, इसमें कॉमन क्या है टू ए, तो टू ए का स्क्वायर, फिर बचा क्या टी टू माइनस टी वन का होल, हो गया बच्चों। फिर ध्यान से देखिएगा, देखिए ये हो गया है ए स्क्वायर, और इसको कैसे लिखेंगे टी टू माइनस टी वन का होल स्क्वायर और टी टू प्लस टी वन का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा चार ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा टी टू माइनस टी वन का होल स्क्वायर। आ गया बच्चों आपको समझ में, ध्यान से फिर देखिएगा। अब देखिए इस पूरे ब्रैकेट्स के अंदर, देखिए ये ए स्क्वायर है, ये स्क्वायर, जब ए स्क्वायर का आप अंडर रूट करोगे तो ए आएगा। आगे बच्चों अब ध्यान से देखिए, देखिए ये देखिए टी टू माइनस टी वन का होल स्क्वायर और टी टू माइनस टी वन का होल स्क्वायर, जब इसका अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा टी टू माइनस टी वन, आ गया। बचा क्या क्या है ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट एक तो ये बचा है टी टू प्लस टी वन का होल स्क्वायर, एक बचा है चार, क्या बचा है चार, क्यों, क्योंकि आपने उसमें से उसको क्या ले लिया था बाहर। तो देख लीजिए एक बार, ठीक है मैं इसको आंसर चेक करता हूं, जब तक आप इसे नोट डाउन कीजिए। देखिए बच्चों इसका आंसर, इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए थर्ड अपना और इसका आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला देखते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है क्वेश्चन नंबर सात, ये तो थर्ड क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर सिक्स का, अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सात। कह रहा है सिद्ध करना है आपको कि क्या ये एक समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो देखिए सवाल मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर सात, तो ये लिख रखा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु दो कोमा माइनस के दो और माइनस दो कोमा एक और पांच कोमा दो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है बच्चों करते ध्यान से देखिए। मैं लिख देता हूँ ए, और ए के निर्देशांक क्या है दो कोमा माइनस के दो, बी के निर्देशांक है माइनस दो कोमा एक और सी के निर्देशांक है पाँच कोमा दो, ठीक है बच्चों। अब आपको ये समकोण त्रिभुज है, आपको ये सिद्ध करना है, तो ध्यान से देखिए समकोण त्रिभुज होता क्या है, मैं आपको इधर समझा देता हूँ कि जो कर्ण स्क्वायर होता है वो लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर, क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार,
इसको बोला कैसे जाता है इसको समझने के लिए देखो, इनमें से आप दूरी निकालेंगे पहले, और किसी एक का जो वर्ग होगा वो बाकी दो संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर आता है, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। तो देखिए मैं आपको सिद्ध करके दिखाता हूँ, यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पे करते हैं। तो देखिए ये लिखना है AB के बीच दूरी, मैं एक बार सूत्र लगा देता हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल, तो ये क्या हो गया x1 y1 x2, और देखिए x2, x2 का मान है माइनस के दो माइनस, x1 का मान क्या है दो का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है एक माइनस, इसका मान है माइनस के दो का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा, ये माइनस माइनस है तो माइनस के चार का स्क्वायर, और इसको करेंगे तो एक प्लस दो का, तो ये हो जाएगा माइनस के चार का स्क्वायर, और ये हो जाएगा तीन का स्क्वायर, तो माइनस के चार का स्क्वायर सोलह, तो तीन का नौ। जब आप इसको करेंगे तो अंडर रूट कितना आ जाएगा? 25। कितना आ जाएगा बच्चों? 25। ठीक है, तो ये किसके बीच की दूरी निकली है? ए बी के बीच की दूरी। किसके बीच की दूरी? ए बी। अब अपन निकालते हैं बी सी। अब देखिए मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए ये हो गया एक्स वन वाई वन एक्स टू और वाई टू, तो एक्स टू का मान पाँच माइनस, इसको करेंगे तो माइनस के दो का होल स्क्वायर प्लस y2, y2 का मान है दो माइनस एक का होल स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से, ये हो गया पाँच प्लस दो का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक का स्क्वायर, तो पाँच और दो सात का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, अंडर रूट लगा दीजिए, तो सात का स्क्वायर कितना था बच्चा? उनचास, और एक का एक। जब आप इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट पचास। आगे अंडर रूट पचास। अब अपन निकालते ए सी, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं इन सबको मिटा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। आपको ए और सी बिंदु लेनी है तो आपको इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो जब इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा एक्स वन वाई वन एक्स टू और वाई टू, ठीक है, तो एक्स टू का मान क्या है? पाँच, तो आप यहाँ पे लिख देंगे पाँच माइनस दो का होल स्क्वायर प्लस ये है दो, तो इसको करेंगे दो माइनस माइनस दो का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिए, ये है तीन का स्क्वायर और ये है दो प्लस दो का होल, तो ए सी बराबर तीन का स्क्वायर नौ प्लस चार का स्क्वायर, तो जब आप इसको करेंगे तो नौ प्लस सोलह, तो ये ए सी बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट पच्चीस। कितना आ जाएगा बच्चों? अंडर रूट पच्चीस, ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए आप एक मिनट। देखिए बच्चों, ये आपने निकाल लिया है, अब आपको ये सिद्ध करना है कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो देखिए मैं सिद्ध करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये देखिए, ये रूट पचास है, ये क्या है? रूट पचास, और वो रूट पच्चीस और ये पच्चीस, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा बी सी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो ये हो गया रूट पचास का स्क्वायर, ये बराबर ये हो जाएगा रूट पच्चीस का स्क्वायर प्लस रूट पच्चीस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पचास बराबर पच्चीस प्लस पच्चीस, तो पचास बराबर कितना आ गया? पचास। तो मेरे को बताइए, जब ये दोनों की दोनों मान क्या आ गए? बराबर। क्या आ गए? बराबर। तो इसका मतलब आप नीचे लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्या लिखा आपने? त्रिभुज जो ए बी सी है वो कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, इससे सिद्ध हो गया। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला देखते हैं।
चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर है आपको 8, ठीक है। देखिए आपको कह रहा है कि आपको ये बताना है कि ये जो त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज है, सॉरी आपको ये बताना है कि ये एक वर्ग है, और वर्ग की विशेषताएं क्या होती है कि इसकी जो चारों भुजाएं होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। मतलब आपको ये निर्देशांक दे रखे, मैं लिख देता हूँ 1, -2, फिर आपको लिखना है 3, 0, फिर आपको लिखना है 1, 2, और फिर लिखना है -1, 0। एक वर्ग के शीर्ष है, आपको लिखना है एक वर्ग के शीर्ष है, आपको ये सिद्ध करना। अब वर्ग की चार भुजाएं क्या होती है, बराबर, जैसे इसको नाम दे देते हैं A, B, C और D, तो आपको लिखना है AB के बीच की दूरी। सूत्र में लगा देता हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल। जब आप इनका लेंगे तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये, तो ये हो जाएगा x2, तो 3 - 1 का होल स्क्वायर, y2 0 - -2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0 + 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये भी किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 + 4, तो ये हो जाएगा √8, ठीक है। चलिए देखते हैं बाकी, फिर आपको निकालना पड़ेगा BC, तो ये रहा बी और ये रहा सी, तो ये हो जाएगा 1 - 3 का होल स्क्वायर, 2 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर + 2 का, तो ये हो जाएगा 4 + 4। जब आप इसको करेंगे तो ये √8 आ गया बच्चों। अब इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर CD, तो CD देखिए निकालते हैं, तो देखिए -1, फिर 1 का स्क्वायर + ये है 0 - 2 का, तो जब आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर + -2 का, तो 2 का स्क्वायर 4 + 4, तो ये हो गया √8, ठीक है। ये हो गया AD। अब AD कैसे निकालेंगे, ये रहा A और वो रहा D, तो आप ऐसे निकालेंगे -1, -1 का होल स्क्वायर + 0 - -2 का होल स्क्वायर, तो देखिए ये हो गया है -2 का स्क्वायर + ये भी हो गया है -2 का, तो ये 4 + 4, तो जब आप इसको करेंगे तो ये √8। अब आपको पता है कि वर्ग जो होता है उसकी चारों की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर, क्या होती है, बराबर, ठीक है। तो इससे क्या निकल जाएगा, तो ध्यान से देखिए, हो गया, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो ये तो अपन ने भुजाओं से निकाल दी, अब अपन इसके विकर्ण निकालते हैं, विकर्ण भी तो क्या होने चाहिए, बराबर। तो देखिए AC बराबर, ठीक है, तो AC निकालेंगे, तो देखिए ये और ये, तो 1 - 1 का होल स्क्वायर + 2 - -2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 0 का स्क्वायर, और ये हो गया 2 + 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 0 + 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है, √16, और 4 का स्क्वायर √16, और ये कितना जाएगा 4। अब इसी तरीके से आप BD निकालिए, क्या निकालेंगे, BD, और BD निकालते ध्यान से देखिएगा, ये रहा B और ये रहा D, तो ये हो जाएगा -1, -3 का होल स्क्वायर + 0 - 0, तो ये देखिए ये हो गया -4 का होल स्क्वायर + 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया √16 का कितना आएगा 4। तो मेरे को बताइए वर्ग होता क्या है, वर्ग देखिए वो होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो देखिए √8, √8, √8 और √8, तो चारों भुजाएं हो गई, और इसके जो विकर्ण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर। तो जब आपने विकर्ण निकाले तो ये भी क्या हो गया, बराबर। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ, चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है, ठीक है बच्चों, इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, कल एक नए क्वेश्चंस के साथ, नए पैटर्न के साथ आपके साथ।
ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से।